नमस्कार। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है और जिस तरह से किसानों ने भारत बंद का आह्वान भी कर दिया है, इसी कड़ी में कई जिला, कई कस्बे, कई शहर बंद भी हैं। इस पर देखिए रिंकी बत्रा की ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब कर रहा अगुवाई, जहां हर तीसरा किसान गरीबी रेखा से नीचे। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे पंजाब ने 26 नवंबर को हर हाल में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, जिस पर हरियाणा के किसान नेताओं ने पूर्ण रूप से बहुमत भी दी थी। हरियाणा सरकार की बेबाक कोशिशों के बावजूद भी किसान खेतों के रास्ते से पंजाब से 250 किलोमीटर का सफर तय करके तमाम आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन की बोछारे, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग और नाके क्रॉस करके दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचने में सफल रहे थे। इसी बीच विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति भी मिल गई थी, जहां किसानों ने अपना काफिला दिल्ली के टीकरी बॉर्डर और सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर लगा दिया। हमारी टीम दोनों बॉर्डर्स पर वहां के हालात जानने के लिए गई थी, जहां हालात कैप्चर किए बिना नहीं रहा गया। किसानों की मदद के लिए कई संगठन आए आगे, कोई दे रहा फ्री दवाई तो कोई फ्री पिज्जा। किसानों की सेवाओं के लिए बॉर्डर पर हेल्थ कैंप भी लगाए गए हैं, जिसमें फ्री में मेडिकल सर्विसेज भी दी जा रही हैं। दिल्ली के लोकल लोग और आसपास के लोग भी आंदोलनकारियों को खाने से लेकर हर सुविधा, चाहे वो वॉशरूम की व्यवस्था हो या पानी की या फिर सुरक्षा की, सब कुछ उनको मुहैया करवाया जा रहा है। लाखों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली एक कतार में डिसिप्लिन मेंटेन करती आपको दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, एक ट्रॉली छोड़कर ही लंगर सेवा भी चलाई जा रही है। सुनिए लंगर वितरित करने वाले का इसी कड़ी में क्या कहना है। रोहतक से इस वक्त गरिमा टाइम्स की टीम मौजूद है कुंडली बॉर्डर पर, जहां पर जैसे कि आप जानते हैं कि किसानों ने जो है यहां पर धरना प्रदर्शन जारी निरंतर करा हुआ है। और आज हम इस वक्त मौजूद है उन शख्स के साथ या उस टीम के साथ जिनका लगातार यहां पर लंगर सेवा अभियान जो एक तरीके से चल रहा है, जानते हैं उन्हीं से ही। जी सर, आपका नाम? तजिंदर सिंह। जी सर, कहां से हैं आप? शिरोमणि अकाली दल, दिल्ली से। दिल्ली से आप खास यहां पर आए हैं कुंडली बॉर्डर सोनीपत पर सेवा करने के लिए? जब से ये मोर्चा लगा जी, तब से ही पहले दिन से ही हमारे पार्टी के प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना जी की अगुवाई में ये लंगर सेवा चल रही है और 24 घंटे की सेवा चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों में किसान कानून वापसी की ही मांग कर रहे हैं। सरकार का तर्क ये है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं और इनसे इनकी आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, जबकि किसानों का मानना ये है कि सरकार का उनकी जमीन कब्जा करने का प्लान का ये हिस्सा है। जब किसानों से इसी बारे में पूछा गया तो उनकी आखिर क्या मांग है, तो इस पर उन्होंने देखिए क्या कहा। जो क्या इस वक्त सरकार कह रही है कि ये किसानों के भले के लिए और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो जी एक तरह से झूठ ही बोल रहे हैं मेरे को लगता है जी। वो तो मतलब कहते हैं ना, तोता जो होता है वो अपने गुणगान गाता है, कुछ भी बोलता है, वो तोते हैं एक तरह से जी। तो यहाँ पर आसमान को छत और जमीन को बिस्तर बनाकर, सर्द हवाओं को चादर बनाकर किसान समूह है अपनी बातों पर अडिग। बॉर्डर पर डटे किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ही अपना अस्थाई घर बना रखा है और सड़कों को ही अपना बिस्तर। बॉर्डर पर सर्द ठंड में भी किसान जिस प्रकार से अपने घर खेतों में रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी रह रहे हैं। बिल्कुल घर जैसा माहौल ही बॉर्डर पर भी बना हुआ है। झाड़ू लगाने से लेकर सब्जी काटने तक, खबर पढ़ने से लेकर कपड़े धोने तक, सब दैनिक दिनचर्या में शामिल है। खुले आसमान के तले सड़कों पर चट्टाई बिछाकर, कंबल रजाई लेकर सोते हैं और सुबह जल्दी उठकर कृषि संबंधी कानूनों के बारे में केंद्र सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में तकरीबन 6 महीने का राशन पानी लेकर लंबी लड़ाई के लिए पहुंचे हैं। घर वालों को भी वो आश्वस्त करके आए हैं कि हमारी चिंता मत करना, जब जरूरत होगी तो हम खुद फोन कर लेंगे। इसके अलावा दिल्ली के सामाजिक संगठन और एनजीओ आंदोलनकारी किसानों की मदद के लिए भी सामने आए हैं। राशन से लेकर खाने पीने और दवाइयों तक सब तरह की मदद दिल्लीवासी पहुंचा रहे हैं। 7 दिन में 4 किसानों की मौत, फिर भी प्रदर्शन जारी।
अपने घरों से दूर सर्द हवाओं से बेपरवाह दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि वो लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती तब तक वो हटेंगे नहीं। और कब तक बैठने का इरादा है? जब तक मोदी मानेगा नहीं तब तक बैठेंगे। मनाकर ही जाएंगे? मनाकर जाएंगे, ठान रखी है, पक्का इरादा है। इसी बीच कई किसानों की मौत की खबर भी सामने आई है। बहादुरगढ़ बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई, जिनका नाम गुरजन सिंह और उम्र 60 साल थी। इससे पहले भी दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान गुरभाष सिंह की मौत हुई थी। वहीं पिछले 7 दिनों में 4 किसानों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। जमीन से ही इस धरती पुत्र ने जिंदगी की शुरुआत की और जमीन के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। किसानों ने उनकी मौत को शहादत के रूप में नवाजा है। इतना ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अब पूरी तरह से आंदोलन में बैन मिल चुका है। किसान मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से प्रख्यात कर रहे हैं। अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पहुंच जाता है तो उसकी एंट्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। उनका कहना है कि किसानों को आतंकवादी कहकर दुनिया को भड़काने का काम सरकार कर रही है ताकि मेन मुद्दे से ध्यान भटक जाए। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे ये मीडिया पे फैलाया जा रहा है ये आतंकवादी हैं, ये गुंडे हैं, चोर हैं, ये आतंक फैला रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कहें। हम एक बहुत ही शरीफ घर घराने के हैं और ऐसा कुछ नहीं है। हमसे किसी भी जनता को डरने की जरूरत नहीं है। अपना बिजनेस करें, अपना काम करें। हमारी लड़ाई सिर्फ है तो सरकार से है। हम सरकार से ही आंदोलन करेंगे जो करेंगे। इसी पर टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने करीबन 1000 पोस्टर्स ऐसे छपवाए जो बॉर्डर शुरू होने से लेकर अंत तक सभी को दर्शाए जा रहे थे, जिसमें 3 भाषाओं में बात सिर्फ एक ही लिखी गई थी, हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं। हरियाणा से मिल रहे पूर्ण समर्थन में हरियाणा पंजाब भाईचारा भी काफी मशहूर हुआ है, जो किसानों द्वारा सरकार के कानूनों की निंदा भी कर रहा है, जिस पर सिर्फ यही बात लिखी थी, तुम बांटते गए और हम जोड़ते गए। 7 समुंदर पार पहुंची किसान आंदोलन की आग। अब देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। आंदोलन को चलते हुए पूरे 13 दिन बीत चुके हैं और अब किसानों के समर्थन में ना सिर्फ पंजाब के दिग्गज कलाकार बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और विदेश का पंजाब यानी कि कनाडा कहे जाने वाले देश से भी पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। किसानों से जब इसी बारे में बातचीत की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਨੇਡਾ ਕਨੂਡਾ ਗਏ ਅਮੈਰੀਕਾ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕਾ ਡਰ ਕਿਉਂ, ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ कई आपत्तियां हैं, जिनमें से एक है इन कानूनों की आड़ में कॉरपोरेट जगत कृषि क्षेत्र पर हावी हो जाएगा और किसानों के शोषण का खतरा पैदा हो जाएगा। नौजवान किसान ने इसी कड़ी में क्या कहा सुनिए। सरकार किसानों को भी कॉरपोरेट को सौंपना चाहती है, क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? ये 100% ही सच्चाई है कि जो इस बार मोदी सरकार है वो कारपोरेट घराणिया ने सरकार बनाई है। पैसा लगा के उन्होंने कुर्सी से मोदी को बिठाया है। हुण मोदी जिवें मनमोहन सिंह सीगा प्रधानमंत्री तो चलती राहुल तो सोनिया गांधी की होंगी सी, उस तरह हुण प्रधानमंत्री इस बार 5 साल विकया होया है। वो जो बानी डानी कहणगे उन्होंने कहते वो कुछ काम करेगा। आपको दिखा दें ये मंजर दिल्ली की सीमा पर चल रहे एक प्रदर्शन का है, जहां सड़क के उस पार आपको पानी की बौछार करने वाला टैंकर खड़ा दिखाई देता है, तो वही पास में ही ऐसे कुछ और ट्रक भी खड़े हैं। ये बैरिकेडिंग, तारों की बाड़, सीमेंट के ब्लॉक, बालू से लदे ट्रकों के उस पार की दुनिया है और इस पार का नजारा किसी और दुनिया में पहुंच जाने का एहसास दिलाता है। अगर उधर से देखें तो दिल्ली की सीमा पर ट्रक, पुलिस वाले और बैरिकेडिंग का ये दस्ता बड़ा मामूली सा सुरक्षा इंतजाम लगता है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए गरिमा टाइम्स के साथ। नमस्कार।